वेलकम बैक टू लक्की व्लॉग्स। और दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिल्ली के एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे लेके आया हूँ। मैं आज आपको लेके आया हूँ यमुना घाट दिल्ली। जी हाँ, मेरे पीछे देख सकते हैं ये यमुना नदी है और मैं उसके बीचों बीच खड़ा हूँ इस टाइम। और यहाँ पे अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है कश्मीरी गेट। वहाँ उतरने के बाद वहाँ से आप ऑटो रिक्शा लेके यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ की जो मेट्रो स्टेशन से दूरी है वो करीब 2 किलोमीटर की है। और यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। बोटिंग कर सकते हैं आप, यहाँ पे पक्षी देखने को मिलेंगे, विदेशी पक्षी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग शूट करते हुए देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, कोई म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा है, आप रील भी शूट करते हुए लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं वो सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप पूरा मजा लेना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसी अलग अलग जगह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और वो नीचे बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जितनी ऐसी अलग अलग जगह की जो वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको दिखाते हैं दिल्ली का यमुना घाट। वो सामने आप देख सकते हैं दोस्तों मेन रोड, वहाँ से आपको अंदर आना है। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको ये दिखेगा, ये देखिए सीढ़ियाँ दिख जाएंगी आपको ऊपर आने के लिए। और ये सीढ़ियों से आप ऊपर जाने के बाद यहाँ से आपको अंदर जाना है और इधर से जब आप उतरेंगे तो सामने आपको ये यमुना घाट लिखा हुआ दिख जाएगा। इसी तरफ आपको अंदर जाना है इस गली के अंदर। ये देखिए जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो आपको ये सामने लिखा हुआ दिख जाएगा यमुना घाट, और ये एरो बना हुआ है, इस तरफ आपको जाना है। यहाँ से थोड़ा सा आप आगे आएंगे, ये गली जा रही है दोस्तों, तो ये गली आपको सीधा यमुना घाट की तरफ लेके जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये सामने आपको यमुना दिख जाएगी दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए ये सामने है यमुना घाट। यमुना का नज़ारा आप यहां से देख सकते हैं, ये देखिए ये बोट वगैरह आपको यहीं से दिख जाएंगी सामने। दोस्तों सर्दी शुरू होते ही दिल्ली में माइग्रेटरी बर्ड्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है और इस यमुना के किनारे दोस्तों साइबेरिया, चीन, साउथ अमेरिका और न्यूजीलैंड से पक्षी यहाँ पर घूमने के लिए आ जाते हैं। साइबेरिया बहुत ही ठंडी जगह है और यहाँ पर नवम्बर से मार्च तक इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि जिसकी वजह से वहाँ का जो तापमान है वो 0 से भी नीचे पहुँच जाता है। इसी वजह से वहाँ के पक्षी यहाँ पे आ जाते हैं दिल्ली में घूमने के लिए। दोस्तों भारत में ये पक्षी दिल्ली के अलावा यूपी, प्रयागराज, बनारस, मुंबई और बिहार में भी चले जाते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो ओखला बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर भी आपको ये पक्षी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे सर्दियों में, और इसी वजह से यहाँ पे यमुना घाटों में लोग इनको देखने के लिए भारी मात्रा में आते हैं और इनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो दोस्तों हम यमुना घाट में पहुँच चुके हैं, आप देखिए यहाँ पे मैं नाव के अंदर बैठ के आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। सामने आप देख सकते हैं कितने पक्षी यहाँ पे घूम रहे हैं इस टाइम, और सामने देखिए सूर्यदेव, सूर्योदय का ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमने भैया से पूछा है, यहाँ पर 100 रुपये की टिकट बताते हैं ये, एक बार अगर आप यहाँ पे नाव में घूमना चाहते हैं तो एक बंदे के 100 रुपये की टिकट लगेगी, लेकिन अगर आप पर्सनल करना चाहते हैं तो 500 रुपये देने होंगे आपको एक नाव में एक बंदे के लिए, और अगर आप शेयरिंग में करते हैं तो 100 रुपये एक बंदे के लगेंगे और आप यहाँ पे आके आराम से घूम सकते हैं। ये देखिए दोस्तों दृश्य देख सकते हैं आप कितना बढ़िया, ओए होए होए क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य, मन को मोह लेने वाला ये दृश्य दिल्ली में आपको बहुत ही कम दिखाई देगा। ये देख सकते हैं आप दोस्तों हम नाव में बैठ गए हैं और यहाँ पे भैया चल रहे हैं धीरे धीरे पक्षियों की ओर बढ़ते हुए। यहाँ पे देखिए चप्पू चल रहा है यहाँ पे, और कितना प्यारा दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है ये चप्पू चलते हुए। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही शांति मिलेगी, बहुत ही शांति प्रिय जगह है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है, लोग यहाँ पे प्री वेडिंग भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं शूट करते हुए काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये आपको घाट दिखा देता हूँ, वहाँ पे देखिए कुछ लोग और हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, और ये देखिए भैया यहाँ पे नाव लेके आ रहे हैं। ये नमकीन आप यहाँ पे देख सकते हैं, नमकीन खिलाते हैं लोग यहाँ पक्षियों को, और ये देखिए बहुत ही प्यारा दृश्य, बर्ड्स देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं।
और वो सामने भी आप देख सकते हैं, थोड़ा नजदीक से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है, लाइट लेके एक बंदा खड़ा है और वहाँ पे फोटो क्लिक की जा रही है। बहुत ही प्यारा दृश्य दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो पक्षी हैं वो आपका काफी मन मोह लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे हजारों की मात्रा में पक्षी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये आप कह सकते हैं कि पैसा वसूल ये जगह है। जिंदगी में एक बार आपको दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपको यहाँ पे एक बार अवश्य आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दृश्य, ओए होए होए क्या बात है। ये दृश्य आप देख सकते हैं दोस्तों, नाव काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत ही प्यारा दृश्य है ये। और ये जो पक्षी वाला आप दृश्य देखना चाहते हैं, ये जो नज़ारा अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में ही आना पड़ेगा, तभी आपको ये नज़ारा दिखेगा। नहीं तो उसके बाद ये पक्षी यहाँ से चले जाते हैं, दिन में आपको ये नज़ारा यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, सुबह सुबह ही आना पड़ेगा अगर आप इसका मजा लेना चाहते हैं। और इस तरफ देखेंगे तो बीच में आपको एक मंदिर दिखाई देगा, बाबा बालकनाथ जी का ये मंदिर है, वो सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो एक मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। और दोस्तों ये देखिए एक ये बीच में एक टापू स्टाइल में एक बना हुआ है, ये आइलैंड टाइप, यहाँ पे चलते हैं। ये चारों तरफ पानी है और यहाँ पे आप बीच में उतर के यहाँ पे कुछ शॉट्स ले सकते हैं अच्छे। यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं अभी, वो देखिए वो सामने से हम आए थे वहाँ पे, वहाँ से हमने एंट्री करी थी और नाव यहाँ पे हमें लेके आ गई है, यहाँ पे हम उतरे हैं। और ये बीच में आइलैंड स्टाइल में ये कुछ बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चारों तरफ पानी है और बीच में है इस टाइम हम। और ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, ये देखिए, ये आप कह सकते हैं कि यमुना के बीचों बीच हम इस टाइम खड़े हैं। आप नीचे मेरे देख सकते हैं कि आपको ये रेत दिखाई दे रही है, और इसके चारों तरफ जब आप नज़र घुमाएंगे तो आपको ये पानी ही पानी दिखाई देगा। हम पानी के बीचों बीच हैं इस वक्त, यानी कि एक टापू पे हैं इस वक्त हम, आप देख सकते हैं यहाँ से ये खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस टापू के अंदर खड़ा हूँ, चारों तरफ पानी ही पानी है और ये छोटा सा बीच में एक टापू है। यहाँ पे इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा मुझे यहाँ पे आके। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको एक बार तो यहाँ पे अवश्य आना चाहिए, और यहाँ पे आने के लिए सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं जो इस टाइम आए हुए हैं, और यहाँ पे हमने भैया से बात करी थी तो वो ये बता रहे हैं कि ये विदेश से यहाँ पे ये पक्षी आते हैं घूमने के लिए कुछ टाइम के लिए। और मौसम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी ठंड नहीं है, थोड़ी सी कम हो चुकी है ठंड, लेकिन अगर आप और सर्दियों में आते हैं पीछे धुंध ही धुंध आपको दिखाई देगी। और मैं कहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक बार तो आपको आना ही चाहिए। आप बोटिंग भी कर सकते हैं, पीछे आप मेरे देख सकते हैं काफ़ी सारी बोट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग शूट करने के लिए भी आए हुए हैं, प्री वेडिंग शूट चल रहा है, यहाँ पर वेब सीरीज़ का भी शूट चलता है। तो चलिए और भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ बात करते हैं कुछ लोगों से कि यहाँ पे क्या टाइमिंग रहती है, क्या और अच्छा देखने को मिलता है, तो वो भी सब आपको दिखाते हैं। और दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं लोहे वाला पुल है, ये वही पुल है जो आपने फुकरे मूवी में भी देखा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की भी शूटिंग हो चुकी है, अक्सर जो यमुना के जो शूट दिखाते हैं मूवीज़ के अंदर, वेब सीरीज़ के अंदर, पाताल लोक में भी आपने देखा होगा वेब सीरीज़ जो आई थी उसका शूट भी यहीं पर हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे लोग शूट करने के लिए आते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक प्री वेडिंग शूट चल रहा है। और इस तरफ दोस्तों आप नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी पक्षी दिखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ये बतख वगैरह भी दिख जाएंगी, ये देखिए। नाव में बैठ के वापिस जा रहे हैं उसी घाट पे जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, जहाँ से हम आए थे। तो चलिए बैठते हैं यहाँ पे और फिर चलेंगे हम उस तरफ। तो बोटिंग का नज़ारा आपको दिखाएंगे, काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ पे आके, अब हम चलेंगे उस तरफ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे चप्पू चला रहा हूँ और नाव को आगे बढ़ाएंगे। ये हमने कुछ कुछ सीखने की कोशिश करी है कि कैसे चलाते हैं इसको चप्पू को भैया, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही आसान काम है तो ये आसान नहीं है।
इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि कैसे चलाई जाती है ये, और काफी मेहनत लगती है, बाजुओं में दम चाहिए नाव चलाने के लिए। ये देखिए, और टेक्निक मेन इसमें टेक्निक का ही सारा खेल है। ये देखिए, पानी को आपको पीछे की तरफ फेंकना है और नाव को आगे की तरफ ले जाना है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से आपको पानी को पीछे धकेलना है और नाव को आगे लेके जाना है, लेकिन हमारे बस की नहीं है भैया, ये भैया ही चला पाएंगे ढंग से इसको। आओ भैया, आप ही देखो अपना काम। हाँ जी, चला पाए? अरे कुछ ना चला पाए, एक घंटा से यहीं बैठे हैं। फेल हो गए। तो भैया ये एक बार वैसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज का आपको पता चल जाएगा कि देखने में कैसा है और करने में कैसा है। सुनील भाई, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है यमुना घाट पांडा एसोसिएशन माँ यमुना आरती स्थल। यहाँ पे आरती भी होती है और यहाँ पे टाइमिंग भी लिखी हुई है, आप इसमें बोर्ड के अंदर पढ़ सकते हैं। और घाट नंबर 20 है ये, और यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं, और सामने आप देख सकते हैं ये यमुना घाट। ये देखिए पूरा का पूरा, आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। और इस यमुना घाट में दोस्तों एक से एक दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा है, और ये सामने आप देख सकते हैं यमुना नदी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से इस यमुना घाट का। तो दोस्तों यमुना घाट की पूरी वीडियो मैंने आपको दिखा दी है, यहाँ पे क्या क्या देखने लायक था वो सारी चीज़ आपको दिखाई है, यहाँ पे क्या क्या आप घूम सकते हैं, क्या टिकट प्राइस है नाव में घूमने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बार मैं कहता हूँ कि अवश्य आना चाहिए। और ऐसी और अलग अलग जगह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाके उसको सब्सक्राइब करें, और वो नीचे बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जितनी ऐसी और वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।